Hello everyone, how are you guys? This is Suraj Singh Parchman and I hope everybody of you are fine. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एंड दैट इज टॉप फाइव थिंग्स दैट यू शुड यू मस्ट बी डूइंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन. ठीक है, तो जिस हिसाब से हम लोग अपने देश की स्थिति और देख रहे हैं और कोरोना वायरस की केसेस की संख्या देख रहे हैं, उस हिसाब से कई राज्यों में लॉकडाउन पहले से है, कहीं में लगने वाला है और कहाँ कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस के साथ ओपन है. ठीक है, तो इस वीडियो में आई शेयर माय ओपिनियन कि व्हाट फाइव थिंग्स शुड अ यंगस्टर और अ जॉब प्रोफेशनल और अ जॉब सीकर मस्ट बी डूइंग इन द लॉकडाउन. तो शुरू करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज डेवलपिंग स्किल्स. देखिए, हम सभी को पता है अब हमारा जो ये एरा आ रहा है, यहाँ पे डिग्री की कम वैल्यू और स्किल सेट की ज़्यादा वैल्यू है. ऐसा क्यों है? क्योंकि डिग्री है होना किसी सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, डज नॉट मीन दैट यू नो दैट फील्ड और यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट फील्ड. मगर अगर आपके पास उस फील्ड की स्किल सेट है, डेफिनेटली यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट फील्ड. दैट इज वाई यू हैविंग दैट स्किल सेट, है ना. तो हैविंग स्किल सेट इज वेरी नेसेसरी. अभी हम लोगों ने देखा कि गूगल एंड टेस्ला आर हायरिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल सेट. तो अपना स्किल सेट अगर हम डेवलप करेंगे तो आने पोस्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद जब हमारा मार्केट खुलेगा, जब हमारा एवरीथिंग विल बी ओपनिंग, सो वील हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर पीपल कि हमारे पास स्किल सेट है. ठीक है, सो वी नो अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड मोर देन द डिग्री होल्डर. So acquiring a skill set is a most important thing in today's world. और I hope कि हम लोग skills develop करें जिस जिस particular field में हम लोग जाना चाहते हैं, है ना. तो the second thing that I'm coming up with is exploring new things. और ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है like for youngsters like us जो हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल के, कि नई चीज़ों को explore करें. उससे क्या होगा कि वील कम टू नो वट इज़ राइट फॉर अस, कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारा मतलब करने का मादा क्या है, है ना. वील नो कि हम किस चीज़ में बढ़िया हैं, किस चीज़ में ख़राब हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या चीज़ हमारी वीकनेसेस हैं. एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. ठीक है, लाइक अगर somebody इज गुड एट टीचिंग तो वो एक्सप्लोर क्या कर सकता है? ही कैन गिव ऑनलाइन ट्यूशंस, ही कैन कम ऑन यूट्यूब, ही कैन बी ऑन इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जाके वो एक्सप्लोर कर रहा है अपने ही फील्ड में नई चीज़ों को. तो एक तो पहला क्या करेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करेगा. और अपनी स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करने के बाद द थर्ड पॉइंट दैट इज वर्किंग अपॉन योर स्किल्स. बेसिकली ये तीन चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. पहले हमने एक्सप्लोर किया नई चीज़ों को, फिर वर्क किया उन नई चीज़ों पर जिस चीज़ में हमको पता चला जो हमारी स्ट्रेंथ है. ठीक है, आफ्टर वर्किंग अपॉन दो स्किल्स व्हाट वी डिड इज हमारा अपने आप ही वो हमारी स्ट्रेंथ और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी एंड वील बिकम ग्रेजुअली एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. राइट, सो व्हाट आई मीन इज एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, लर्न अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, वर्क अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड बिल्ड अ स्किल सेट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. So the fourth point was working upon your strengths. Working upon your strength. See, people कहते हैं work upon your weakness. भाई साहब, आज के वर्ल्ड में that is completely wrong. If you are good in a particular field, work in that particular field. Expert बन जाओ, इतना expert बन जाओ कि आप इतना पैसा कमा लो कि जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो उस चीज़ को करने के लिए आप लोग hire कर लो, है ना. So that इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन द माइंड कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें बजाय कि अपनी वीकनेसेस के. पांचवी चीज जो है वर्क अपॉन योर फिजिकल फिटनेस. हम लोगों को हमेशा से पता है और इवन साइंस प्रूव दैट कि अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी. जब तक कि आपकी बॉडी हेल्दी है, योर माइंड विल बी साउंड, योर माइंड विल बी फिट. ठीक है, आप अपने माइंड से बहुत अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो जो आप प्रेजेंट में हो आपका माइंड.
और अगर आप फिजिकली फिट हो, योर माइंड विल बी साउंड, योर माइंड विल बी एक्टिव. तो वर्क अप ऑन योर फिजिकल सेल्फ, मतलब पहली चीज़ क्या करेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा. दूसरी चीज़, इट विल एनहेंस योर ब्रेन पावर, एनहेंस योर मेंटेलिटी. आपके एटीट्यूड में डिफरेंस होगा, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, एवरीथिंग विल बी चेंज. ठीक है, बट इट्स नॉट अ सिंगल डे थिंग, यू विल हैव टू इवॉल्व. और ये भी जितनी भी मैंने पांच चीज़ें बताई, दीज विल मेक यू एन्जॉय, बट नॉट इन द फर्स्ट टाइम, मे बी नॉट इन द फर्स्ट टाइम, पर दैट प्रोसेस, यू विल स्टार्ट लविंग दैट प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग योर सेल्फ. ठीक है, तो दीज आर द फाइव थिंग्स. और एक बोनस चीज़ जो आप एक बोनस चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में से, कि आजकल सक्सेस की रेस में ना हम लोग कहीं अपने फैमिली मैटर को, फैमिली का जो कंपोनेंट होता है हमारे अंदर, उसको थोड़ा लैग कर रहे हैं. तो लॉकडाउन में एक बहुत अच्छा मौका है अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने का, है ना. तो टू टेक केयर ऑफ देम, शो देम हाउ मच यू लव देम, शो योर अफेक्शन टू देम. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं. सो कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी कि वॉट कुड यू डू इन अ लॉकडाउन दैट विल गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटिव. जब आप लॉकडाउन के बाद हम कॉम्पिटिशन में किसी भी चीज़ में उतरेंगे, तो वील हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन देयर विल. तो धीरे धीरे इस चीज़ को करिए, एंड स्लोली यू विल स्टार्ट लविंग द प्रोसेस ऑफ योर इवॉल्विंग. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू. और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द ASY Zone इफ यू वॉन्ट अस टू ब्रिंग द सेम कंटेंट, ब्रिंग सम वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू ऑल.